सेगावा नागलवाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सद्बुद्धि के लिए गायत्री यज्ञ किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी जिला अध्यक्ष ज्योति ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई वर्षों से हमारी लंबित मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि के लिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किया जा रहा है यज्ञ, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और हमारी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से जो मांगे हैं न्यायोचित है उन्हें वो पूरा करे, इसलिए हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। किसको सद्बुद्धि दिलाना चाहते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान को, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, कई सालों से हम मतलब ज्ञापन देते आए हैं, अभी तक उनका हमारी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, इसलिए अब प्रदेश की बैठक में यह निर्णय लिया है कि उग्र आंदोलन करने से पहले सद्बुद्धि यज्ञ किया जाए ताकि ईश्वर भगवान ईश्वर शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि दे और हमारी लंबित मांगों को पूरा कर दे। क्या नाम लिखते हैं? रामश्री ठाकुर, जिला अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।